So a very warm welcome to all of you who are present in the class. Today we are going to discuss and start with a new topic, that is solubility of gases in liquid. Solubility of a gas is expressed as concentration of the dissolved gas when it is in equilibrium with the pure gas above the solution. Jis tarah naal bache apa we have used or we have discussed various solubility expressions in our solid and liquid solutions, in which we have discussed about molarity, molality, percentage, and different IP, USP, and national formulary restrictions of solubility. उसी तरह से बच्चे हमारे gases in liquid solutions की जो solubility की expression है वो हम कैसे express करते हैं, वो expression क्या होती है, concentration of the dissolved gas, हमारी किस concentration में dissolved gas liquid में dissolve हुई है, when that gas is in equilibrium with the pure gas. ठीक है, अब हमारा एक solution है. अभी तक हमने सॉलिड एंड लिक्विड की बात की. यहाँ पे वी हैव अ लिक्विड इन विच सम गैस इज डिजॉल्व, है ना. गैस कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर बाय चांस मैंने वेन एवर वी टॉक अबाउट अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, हमें हमेशा इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट की ही बात करनी पड़ेगी, है ना. ये मेजर डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस. व्हाई क्लोज्ड, बिकॉज गैस हैज अ टेंडेंसी टू एस्केप, गैस एस्केप कर सकती है. तो अगर मैं ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट ले रही हूँ जिसमें आई हैव फिल्ड द कंटेनर विद सम लिक्विड, लिक्विड से वो फिल्ड है, एंड आई वॉन्ट टू डिजॉल्व माई गैस इन दिस पर्टिकुलर लिक्विड, है ना. तो एट एनी इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होगी, मेरी कुछ गैस अनडिजॉल्व फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होगी, है ना, उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर. आई विल हैव सम अनडिजॉल्व गैस एंड फ्यू और द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गैस विल बी डिजॉल्व इन माई लिक्विड, जो मुझे सोल्यूशन चाहिए था. सो जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा इन सॉलिड इन लिक्विड के केस में, हम लोग किस में इक्विलिब्रियम रखते थे, मेरे कंटेनर जिसमें लिक्विड पड़ा है उसमें मेरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, है ना. सैचुरेटेड सोल्यूशन जब हम बनाते थे हम एक्सेस ऑफ सॉलिड डाल देते थे. सॉलिड हमारा एट एनी इक्विलिब्रियम क्या होता था, हमारा सॉलिड कुछ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पड़ा होता था. दैट सॉलिड सोल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूट विच इज डिजॉल्व इन माई लिक्विड. यहाँ पे उस सॉलिड सोल्यूट की जगह पे वी हैव अनडिजॉल्व गैस विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ माई लिक्विड, है ना. यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसके बीच में होगा, अनडिजॉल्व गैस जो मेरी सर्फेस पे प्रेजेंट है एंड द डिजॉल्व गैस जो मेरे सोल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है बच्चे, सो द जो इस गैस इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व गैस जो मेरी गैस डिजॉल्व हुई है व्हेन दैट गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद द अनडिजॉल्व गैस जो उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज हमारे स्टेट ऑफ मैटर की नेचर में डिफरेंस है. ठीक है, वेरियस एप्लीकेशंस अगर मैं लिखनी चाहूँ मेरी गैस इन लिक्विड फार्मेसी में कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस रखते हैं, द फर्स्ट मेजर एप्लीकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स. रिएजेंट्स की प्रिपरेशन की एग्जाम्पल बताऊं अगर मैं राजे, फॉर एग्जाम्पल योर HCl, फॉर एग्जाम्पल योर H2SO4, नाइट्रिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड अमोनिया, ये जितने भी आपके रिएजेंट्स हैं ये बेसिकली आर द प्रोडक्ट ऑफ योर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस. HCl गैस को पास किया जाता है थ्रू द लिक्विड जब उसका कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड गैस को पास किया जाता है थ्रू वाटर अगर उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है. सिमिलर इज द केस विद अदर्स. ठीक है, सो फर्स्ट एप्लीकेशन जो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस हमारे फार्मेसी में रखते हैं दैट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस रिएजेंट्स. द सेकेंड एप्लीकेशन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और जिसको हम इजिली समझ सकते हैं, इजिली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस. इसमें एग्जाम्पल आ जाती है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की. इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी टेंड टू डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. ठीक है, इन सारी बेवरेजेस में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुई होती है इन वाटर.
थर्ड एप्लीकेशन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट. वी ऑल नो कि हमारी गैसेस जो हैं, हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, एयर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारा ब्लड, ब्लड का मीडियम क्या है, वाटर. वाटर विल ट्रांसपोर्ट दैट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ वो यूटिलाइज होती है. वहाँ से ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन कैरिड बैक टू द लंग्स बाय योर ब्लड विच इज नथिंग बट वाटर, है ना. तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन मेरी गैस, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. किस तरह का सोल्यूशन बनता है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन. सो दैट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन. फोर्थ एप्लीकेशन है हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वाया ब्लड, उसी तरह से हमारी कुछ एनेस्थेटिक गैसेस हैं. एनेस्थीजिया समझते हो बच्चे, एनेस्थीजिया होता है आपकी बॉडी को बिफोर सर्जरी एक तरह से उसकी लॉकडाउन करनी, है ना, कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे टू वेरियस स्टिमुलस. ठीक है, तो एनेस्थीजिया हम कुछ केमिकल्स के साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ गैसेस भी हैं विच कैन बी यूज्ड एज द एनेस्थेटिक गैसेस. इसमें एग्जांपल आ जाती है बच्चे आपकी ईथर एंड हेलोथेन. जैसे आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है वाया ब्लड और वाटर विच इज प्रेजेंट इन योर ब्लड, इन सिमिलर लाइन्स योर एनेस्थेटिक गैसेज लाइक ईथर एंड हेलोथेन आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, अब जिस आउट ऑफ दीज टू अगर मैं बात करूँ, जिसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज़्यादा होगी दैट गैस विल एक्ट फास्टर, है ना, वो उतनी जल्दी एनेस्थाइज करेगी बॉडी को और उतनी ज़्यादा एफिकेसी रखती होगी, है ना. इन दोनों में से ईथर हैज़ अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एज कम्पेयर टू हेलोथेन, इसीलिए ईथर जल्दी से आपके लंग्स को छोड़ के आपके वाटर में चली जाती है, दैट इज़ योर ब्लड, और जितनी जल्दी वो वाटर में जाएगी उतनी जल्दी वो आपकी बॉडी को एनेस्थीजिया प्रोवाइड कर देती है. ठीक है, so moving ahead to the important topic of our gas and liquid solutions, जैसे हमने solid and liquid solutions में factors किए थे, वो general factors थे जो हमने सारे factors list किए थे जो जो influence कर सकते हैं. out of those general factors there are four important factors which basically influence the solubility of gas and liquid. बच्चे अगर paper में आता है factors affecting solubility तो आप सॉलिड एंड लिक्विड वाले फैक्टर्स ही लिखोगे. ठीक है, जो वो डिटेल्ड फैक्टर्स हैं ये हैं. अगर क्वेश्चन आ जाता है इंडिविजुअली और स्पेसिफिकली फॉर गैस एंड लिक्विड, ये वही फैक्टर्स हैं, उन जो हमने डिटेल में फैक्टर्स लिखे थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमने सिलेक्ट कर लिए जो गैस एंड सोल्यूशन में इंपॉर्टेंस रखते. ठीक है, सो देयर आर फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच बेसिकली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल and influence the solubility of gas and liquid. The first one is your pressure, second is temperature, third presence of salt, and fourth chemical interactions with the solvent. Hum in charon factors ko one by one discuss karenge, taking gas and liquid as my primary solution. Theek hai Rajan? So the first factor is effect of pressure. Pressure ka effect humne wahan bhi baat ki thi, जो हमने डिटेल फैक्टर्स किए थे, और वहाँ हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि प्रेशर होल्ड्स अ वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना. अब वो ग्रेट इम्पॉर्टेंस बेसिकली है क्या, जो रिलेशनशिप है बिटवीन अ प्रेशर एंड अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड, इट इज़ गिवन बाय वन लॉ. इतनी इम्पॉर्टेंस रखता है कि एक लॉ बना है इस रिलेशनशिप पे, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द हेनरीज लॉ. यू माइट हैव हर्ड दिस लॉ बट हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर नहीं भी नॉलेज तो उसको समझने की कोशिश करो. हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम. इनिशियली मैंने आपको एक डायग्राम शो करने की कोशिश की थी अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, है ना, जिसमें मैंने कहा था आपको गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस विल ऑलवेज हैपन इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, है ना.
यहां से हमें इक्विलिब्रियम की बात तो समझ आती है कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, कि वी विल हैव वन लिक्विड जिसमें वी ट्राई टू डिजोल्व सम गैस एंड द रिमेनिंग अनडिजोल्व गैस विल बी प्रेजेंट अबव दैट लिक्विड ऑन द सर्फेस ऑफ दैट लिक्विड. ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम कितनी कंसेंट्रेशन ऑफ गैस मेरी डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कंसेंट्रेशन विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू क्या पार्शियल प्रेशर है गैस का ओवर द सोल्यूशन, है ना, क्योंकि जो मेरा अनडिजॉल्व्ड गैस है दैट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट अबव माय सोल्यूशन. ये डिफरेंस है मेरा, बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अभी तक जो हमने सोल्यूशंस डिस्कस किए वो हमारे सॉलिड एंड लिक्विड थे जिसमें वी आर हैविंग अ क्लोज इन ओपन एनवायरनमेंट. यहाँ अंडर क्लोज एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा, जब आई विल हैव सम अनडिजॉल्व गैस जो सर्फेस पर प्रेजेंट होगी और बाकी गैस मेरी लिक्विड में डिजॉल्व होगी. सो एट एनी टाइम द कंसेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व गैस, कितनी गैस मेरी डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है वो कौन मॉनिटर करेगा, कितनी गैस और कितना पार्शियल प्रेशर मेरा गैस का अबव द लिक्विड है. ठीक है बच्चे, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज दिस लॉ होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नंबर वन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जहां हम नलीफाई कर देते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट को, और सेकेंड व्हेन वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द डाइल्यूट सॉल्यूशन. सो मैथमेटिकली माय C2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, वेयर माय C2 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व गैस इन मोल पर लीटर एंड P इज माय पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द सॉल्यूशन, इट इज इन किलो पास्कल. अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूँ, आई हैव टू ऐड सम कांस्टेंट, हियर माय कांस्टेंट इज सिग्मा व्हिच इज नथिंग बट माय सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट. यहां तक क्लियर है बच्चे? वन इंपॉर्टेंट थिंग विद हेनरी लॉ इज, ये अभी तक जो हमने बात की ये थी हमारी एक गैस है जो एक लिक्विड में डिसॉल्व है. अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात आती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस के केस में क्या होगा, व्हेन अ मिक्सचर इज इन कॉन्टैक्ट विद अ लिक्विड, जब हमारी एक गैस नहीं मिक्सचर ऑफ गैसेस मेरे लिक्विड के कंटैक्ट में है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस विल डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड. हेनरी लॉ क्या कहता है, मान लीजिए आई हैव टू गैसेस ए एंड बी जिनका मिक्सचर इज इन कंटैक्ट विद वन लिक्विड कॉल्ड वाटर. ठीक है, हेनरी लॉ कह रहा था कि कितनी कंसेंट्रेशन ऑफ बी विल डिजॉल्व इन वाटर will be directly proportional to क्या concentration of B is present on the surface of water. ठीक है, but when this B is present in a mixture with A, मेरे पास एक गैस नहीं दो गैसेस present है, then also दोनों गैसेस individually अपनी अपनी concentration उनकी जो होगी उनकी कितनी concentration dissolve होगी in liquid में, that will be proportional to किस partial pressure में B gas present है उतनी कंसेंट्रेशन उसकी लिक्विड में डिसॉल्व होगी, किस पार्शियल प्रेशर में मेरी ए गैस प्रेजेंट है ऑन द सरफेस उतनी कंसेंट्रेशन मेरी उसकी इन अ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगी. दैट मींस इफ दीज टू गैसेस आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉज दे विल नॉट इन्फ्लुएंस एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर लिक्विड. ठीक है, और उनकी सॉल्युबिलिटी कौन डिटर्मिन करेगा, उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है बच्चे, एज आई हैव सेड अर्लियर टू, जब भी कोई लॉ बनता है कोई हाइपोथेसिस होता है हमेशा हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं ताकि वो लॉ और हाइपोथेसिस जो है वो उतना सिंप्लीफाइड हो. उसी तरह से हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट, हमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं करेगी आपकी गैस. सेकेंड, गैस A and B, if they are present in a mixture, they should not interact chemically with one another or with the solvent. किसी भी तरह की interaction इस particular reaction mixture में नहीं होनी चाहिए. अगर कोई reaction हो रही है, then gases will not follow the Henry law. ठीक है राजे? Third, only the gases which are slightly soluble in liquid. वही गैसेस हेनरी लॉ फॉलो करेंगी जो स्लाइटली सॉल्युबल इन लिक्विड है. स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स आपके हेनरी लॉ को फॉलो करेंगे बट दे विल शो सम डेविएशन. जो कंप्लीटली फॉलो करेंगे दे आर
sparingly soluble without any deviation. They are sparingly soluble. At least slightly soluble होना पड़ेगा गैस को, तभी वो हेनरी लॉ को फॉलो करेंगे, चाहे वो डेविएशन दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, बट स्टिल दे विल फॉलो हेनरी लॉ अप टू सम एक्सटेंट, है ना. स्लाइटली सॉल्युबल विल शो सम डेविएशन, स्पेरिंगली सॉल्युबल जो उससे नीचे आ जाते हैं इनसॉल्युबिलिटी, है ना, वो कंप्लीटली फॉलो करेंगे आपके हेनरी लॉ. ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, आगे मूव करें. सो अकॉर्डिंग टू और बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, क्या नेचर है और क्या एक्सटेंट है हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड की, हमने गैसेज सॉल्यूशंस को तीन तरह में डिवाइड, थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट, वो गैसेज दैट ओबे द हेनरी लॉ. सेकेंड, विच ओबे द हेनरी लॉ बट शो सम डेविएशन. थर्ड, द गैसेज विच डू नॉट ओबे द हेनरी लॉ. ठीक है, इनमें से फर्स्ट जो है, जो ओबे करते हैं, अभी मैंने आपको बात की, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, विच फॉल इन द रेंज ऑफ 30 to 100, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सेकेंड आर द गैसेज विच शो सम डेविएशन फ्रॉम द हेनरी लॉ. दे आर माई स्लाइटली सॉल्युबल गैसेज विच फॉल अंडर द रेंज ऑफ 100 to 1000, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी मेरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन की. थर्ड कैटेगरी आर द गैसेज विच डू नॉट ओबे द हेनरी लॉ. ये वो कैटेगरी होगी और वो गैसेस होंगी दोज विच आर इन वन वे और अनदर इन्वॉल्व इन सम केमिकल रिएक्शंस, जो मेरे सॉल्यूट के साथ, जो मेरा सॉल्यूट इज रिएक्टिंग विद माई सॉल्वेंट केमिकली. ठीक है, हमने कंडीशन ही रखी थी हेनरी लॉ में कि मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मेरी गैस और लिक्विड में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए. ये थर्ड कैटेगरी वो गैसेस जो हेनरी लॉ नहीं फॉलो करती, वो किसी ना किसी रिएक्शन में ज़रूर होंगी विद योर सॉल्वेंट. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं आपकी अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. सो कमिंग टू द सेकेंड फैक्टर विच इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. गैसेस एंड लिक्विड्स के केस में बच्चे, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी विल ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करे. अगर आप इसको प्रैक्टिकली या इसको रिमेम्बर करने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल करनी हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक डालते हो एक ग्लास में, है ना, आप बॉटल फ्रिज में से निकाल के जैसे ही उसको ग्लास में डालते हो, और अगर उसको आप रूम टेम्परेचर पे पड़े रहने देते हो, विद पासिंग टाइम आप क्या देखोगे कि वो जो एफर्वेसेंस हो रही थी इनिशियली ठंडी बॉटल में, वो हमारी रिड्यूस हो जाती है. अगर हम उसको घंटा दो घंटा ओपन एनवायरनमेंट में पड़े रहने देते हैं, तो फ्रॉम फ्रिज एनवायरनमेंट आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, आप क्या देखोगे, घंटे डेढ़ घंटे बाद उसमें कोई गैस प्रेजेंट ही नहीं रहेगी, और यू कैन नॉट फील कि उसमें कोई गैस डिजॉल्व हुई. तो इसको इजिली हम उस एग्जाम्पल से मेमोराइज कर सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम फ्रिज कंडीशन टू द रूम टेम्परेचर, है ना, फ्रिज के एनवायरमेंट से रूम टेम्परेचर तक ही मैंने टेम्परेचर राइज किया, तो मेरी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड को क्या इन्फ्लुएंस हुआ, क्या क्या फर्क पड़ा, उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस. व्हाई दिस हैपन्स इन दिस गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, बिकॉज नंबर वन, माई गैस हैज अ टेंडेंसी टू एस्केप. गैसेस की इनहेरेंट टेंडेंसी है, जैसे ही उनको एनवायरमेंट मिलेगा एस्केप आउट करने का, वो एस्केप आउट होगी ही होगी. एंड सेकेंड, एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर, देर इज इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एलिवेटेड टेम्परेचर पे, एंड माई सॉल्युबिलिटी विल टेंड टू रिड्यूस. ठीक है बच्चे, इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, इसकी एप्लीकेशन है इन फार्मेसी इज द प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन. वाटर फॉर इंजेक्शन बच्चे, वो वाटर होता है जिसमें कुछ इंजेक्शंस आते हैं ना, जो हमारे सॉलिड फॉर्म में ही आते हैं, उसके साथ में वाटर डिस्पेंस्ड होता है, है ना. बिफोर इंजेक्टिंग दैट इंजेक्शन और दैट डोज इन टू द इंडिविजुअल और पेशेंट, हम क्या करते हैं, उस सॉलिड पार्टिकल्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं टू दैट सॉल्वेंट जो साथ में हमें प्रोवाइडेड होता है. इस तरह से वो इंजेक्शन क्यों आते हैं, बिकॉज वो ड्रग और उसका कुछ कंपोनेंट, उस मेरे इंजेक्शन का कोई कंपोनेंट
माइट ड्यूरिंग स्टोरेज माइट फेस सम टाइप ऑफ डिग्रेडेशन. इसीलिए वो इस तरह से डिस्पेंस किए जाते हैं कि जब पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है उससे पहले ही उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, उसका सोल्यूशन बनेगा एंड देन दैट इंजेक्शन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट. अब वो जो सॉल्वेंट साथ में प्रोवाइड किया जाता है दैट इज नथिंग बट वाटर फॉर इंजेक्शन, है ना, वाटर फॉर इंजेक्शन और यू कैन से द प्योर वाटर. वाटर फॉर इंजेक्शन एक तो आपका पैराजिन फ्री होता है, सेकेंड इसमें डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट नहीं होती, डिजॉल्व गैसेस मेरी एब्सेंट होती. डिस्टिल्ड वाटर आप बना लेते हो बट उसको आप अगर रूम टेम्परेचर पे रखते हो, ओपन एनवायरनमेंट में रखते हो, चाहे उसको ओपन में नहीं भी रखा, बॉटल में इनक्लोज करके रखते हो, जो सरफेस ऑफ दैट डिस्टिल्ड वाटर के ऊपर गैसेस होंगी दे विल गेट डिजॉल्व इन टू माई डिस्टिल्ड वाटर विद पासिंग टाइम, क्योंकि वो हेनरी लॉ को फॉलो करेंगी. ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, जितनी कंसनट्रेशन और पार्शल प्रेशर उसका सर्फेस पे प्रेजेंट होगा उतनी कंसनट्रेशन उसकी हमारे डिस्टिल्ड वाटर में भी प्रेजेंट होगी. वाटर फॉर इंजेक्शन में वी डोंट वॉन्ट के एक्सेस ऑफ गैसेज मस्ट बी प्रेजेंट. वाई? क्योंकि वाटर फॉर इंजेक्शन ने अपने में कोई ना कोई ड्रग को डिसॉल्व करना है एंड देयर आर चांसेस के ड्रग कैन गेट डिग्रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज इन माई वाटर फॉर इंजेक्शन. इसीलिए तो मैंने वो सोल्यूशन पहले नहीं बनाया था, बिकॉज मुझे डर था कि या तो वाटर की प्रेजेंस में या कुछ गैसेज जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं उनकी प्रेजेंस में मेरी ड्रग डिग्रेड हो जाएगी एंड आई विल जस्ट रिकॉन्स्टिट्यूट द सोल्यूशन बिफोर आई डिस्पेंस इट टू द पेशेंट. सो प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन के केस में माई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैं वाटर फॉर इंजेक्शन बनाऊंगी एक तो मैं पैराजेंस रिमूव कर रही हूँ विच इज नथिंग टू डू विद माई गैस इन लिक्विड सोल्यूशन. इम्पॉर्टेंस क्या रखता है, मेरी डिजॉल्व गैसेस को मैं रिमूव आउट कर रही हूँ. तो वाटर फॉर इंजेक्शन जब बनता है फ्रॉम डिस्टिल वाटर और जब इवन स्टोर भी होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन को नियरली 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है. अगर मैंने उस बॉटल में से बार बार लिक्विड रिमूव आउट करना है, मल्टी डोज कंटेनर में वो प्रेजेंट है. वाई? बिकॉज एट 80 डिग्री सेल्सियस मेरी गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे हैव अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. And I can go with a pure water in for injection और उसको मैं easily use कर सकती हूँ आपकी अपनी reconstitution के लिए. ठीक है बच्चे, so this is my second effect which is effect of temperature. As I increase the temperature my solubility of gas in liquid will tend to reduce. ठीक है, application है in preparation of water for injection. The third effect is the effect of salt. इसको अगर समझना हो और कोरिलेट करना हो, अगेन कोल्ड ड्रिंक वाली एग्जांपल पे जाते हैं. अगर इफ आई हैव टेकन वन कोल्ड ड्रिंक इन अ ग्लास कंटेनर, उसमें मैंने अपना चिल्ड कोल्ड ड्रिंक डाला है, इन दैट कोल्ड ड्रिंक हम लोग नॉर्मली क्या कर देते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं. लिम्का में सॉल्ट बहुत कॉमनली हम लोग ऐड कर देते हैं. एज सून एज आई ऐड सोडियम क्लोराइड इन टू माई लिक्विड, एफोवेसेंस होती है. एफोवेसेंस का मतलब लिबरेशन ऑफ सी ओ टू, और वॉट आई कैन से मेरी जो सी ओ टू डिजॉल्व हुई होती है उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो रही है. ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द सॉल्टिंग आउट इफेक्ट. ठीक है, सॉल्टिंग आउट फिनोमिनन कहा जाता है. गैसेज आर ऑफन लिबरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन इन विच दे आर डिजॉल्व बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम क्लोराइड एंड समटाइम इवन अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. कुछ लोग सुक्रोज डाल के पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, इतने शुगर होने के बावजूद. इफ यू कैन ट्राई इट ऑल्सो, एड सम मोर शुगर इन टू इट, देन ऑल्सो यू विल फेस द सेम इशू कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फास्टर रेट पर रिलीज आउट हो रही है ना. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द सॉल्टिंग आउट फिनोमिनन. इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, सॉल्टिंग आउट फिनोमिनन. ये होता क्यों है बच्चे, मेरी गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व हुई थी तो कोई ना कोई इंटरेक्शन हुई होगी बिटवीन द गैस एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स. एज सून एज आई ऐड वन इलेक्ट्रोलाइट और अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच हैज अ वेरी हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जिनकी खुद की सॉल्युबिलिटी वाटर बहुत वाटर में बहुत ज़्यादा है, जैसे ही वो मैं ऐड करूंगी इनटू माय गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन तो क्या होगा, गैस और वाटर में जो बॉन्ड्स बने हुए थे वो इमिजिएटली ब्रेक आउट होंगे और उसकी जगह पे मेरे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के साथ बॉन्ड्स बन जाएंगे.
बिकॉज वॉटर हैज मोर प्रेफरेंस टूवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइट एज कम्पेयर टू द गैस. ठीक है, अब गैस के बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो रहे हैं तो क्या होगा, गैस विल लिबरेट इन टू द एनवायरमेंट, क्योंकि गैस की इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो एक्सपैंड करती है, वो लिबरेट आउट होती है. ठीक है बच्चे, सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द सॉल्टिंग आउट फिनोमिनन. इसकी एप्लीकेशन जो है बच्चे, ये इंडिविजुअली भी आपकी 2 मार्क्स में आ जाती है. स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए के अगर आपने सिरप्स देखे हो तो विटामिन ए के सिरप जो है वो वाटर में बनते हैं. सिरप्स जनरली बनते ही वाटर में है, है ना. विटामिन ए गेट इजीली डिग्रेडेड बाय और ऑक्सीडाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में आपकी जो विटामिन ए है वो डिग्रेड हो जाती है. वाटर जो हमने सिरप्स देखे हैं, सिरप्स तो हमारे चाहे बॉटल में इनक्लोज्ड है बट वी रिपीटेडली टेक आउट सम डोज, उसको हम दोबारा बंद कर लेते हैं. दैट मीन्स दैट लिक्विड इज कॉन्स्टेंटली इन एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट. बिल्कुल इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट तो है नहीं, है ना. अब रिपीटेडली उस बॉटल के सर्फेस पे ऑक्सीजन है, दैट मीन्स उस वाटर में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी ही होगी, है ना बच्चे. सो द डिजॉल्व ऑक्सीजन कैन इजिली डिग्रेड द विटामिन ए जो हमारे विटामिन ए सिरप में होते हैं. इसको, इस प्रॉब्लम को रिमूव आउट करने के लिए क्या किया जाता है, यू कैन नॉट चेंज द एनवायरमेंट. आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाली गैस में से ऑक्सीजन रिमूव कर दो, उसकी जगह कोई इनर्ट गैस डाल दो, बिकॉज पेशेंट ने बार बार वो डोज रिमूव आउट करनी और लेनी. तो आप क्या करोगे, वॉटर में यू एड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर. एक तो उससे तुम आपको सिरप का टेस्ट मिल जाएगा. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ शुगर विल रिप्लेस और विल लिबरेट द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द वॉटर. ठीक है, शुगर की प्रेजेंस मेरे सिरप में प्रिवेंट करेगी एनवायरमेंट में से ऑक्सीजन को डिजॉल्व होने के लिए इनटू द वॉटर. और इनडायरेक्टली क्या होगा, मेरी विटामिन ए की जो डिग्रेडेशन हो रही थी बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वॉटर वो प्रिवेंट हो जाएगी. सो application of effect of salting, effect of salt or effect of salting out is I'm stabilizing the aqueous solution of my vitamin A. Now the last effect is the effect of chemical reaction. Simple effect है, हमने initially Henry law में ही specify किया था कि Henry law is applicable only to the gases that are slightly soluble, number one, and second, that do not react in any way to the solvent. अगर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन बिटवीन द गैस एंड द सॉल्वेंट होगा तो हेनरी लॉ फॉलो ही नहीं होगा. हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी, आपका जो सॉल्यूशन है गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, वो बनेगा ही नहीं. ठीक है बच्चे, और उनकी आप कितनी कंसंट्रेशन आपकी डिजॉल्व हो रही है दैट विल बी हाईली कॉम्प्रोमाइज, है ना. उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यूजिंग द हेनरी लॉ. इसमें एग्जाम्पल थी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया सॉल्यूशंस. सो आई होप दीज फैक्टर्स आर क्लियर.